हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे अदाणी एंटरप्राइज, अदाणी पावर और अदाणी व्हील मार्क की, क्योंकि कब लोगों की जो इसके ऊपर काफ़ी रिक्वेस्ट भी आती थी। अदाणी एंटरप्राइज के अंदर आज जो है भरपूर मात्रा, एक अगर देखें तो अच्छी खासी यहाँ पर तेज़ी थी, उसके बाद यहाँ पर टिका नहीं, तो थोड़ा सा ये वीक भी इसको कहा जाएगा, क्योंकि 2450 रुपये से लेकर, पहले भी बोला था 2440 से 2460 का जो जोन है उसी के आसपास जो है एक इसको एक बड़ा रेजिस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इसका 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी इसके आसपास है। साथ ही साथ यहाँ पर इसने कई बार जो है एक रेजिस्टेंट फेस किया है, और आज थोड़ी सी ये जो कैंडल है ये वीक कैंडल भी बनी है, बेरिश कैंडल भी इसको कह सकते हैं, बेरिश हैमर सा यहाँ पर बना है, लेकिन ज़्यादा घबराने की अभी तक ज़रूरत नहीं है। कहाँ तक इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंट क्या हो सकते हैं वो हम देखेंगे, ब्रेकआउट जोन भी कहाँ पर हो सकता है वो भी हम देखेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसके ऊपर हम डेली अपडेट लाते रहते हैं। और पहले तो इसका 15 मिनट का चार्ट हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें तो शुक्रवार को जो है एक कंसोलिडेशन भरा ही दिन रहा आज के दिन, क्योंकि कई न्यूज़ आई थी, आप वो हमारे चैनल के ऊपर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तकरीबन 3-4 न्यूज़ थी, इसी वजह से जो इसके अंदर ये पॉजिटिव रुझान था। 1600 एक तो अगर देखें तो 1600 मेगावाट का इसने एक पावर प्लांट शुरू किया, दूसरा इसको महाराष्ट्र के अंदर जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट भी मिला था, और इसका जो अदाणी कैपिटल का जो उनको ये बेचने की योजना बना रहे थे वो जो है डील जो है जल्द ही हो सकती है, तो वो वीडियो भी आप डिटेल में पूरा देखें हमारे चैनल के ऊपर जाके। साथ ही हमारे दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखें, कहीं ऐसे ब्रेकआउट शेयर्स होते हैं जिसके अंदर एक आपको शॉर्ट टर्म में एक मतलब कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पर अभी देखें तो 15 मिनट का चार्ट में सवेरे ही जो है अच्छी खासी तेज़ी रही, लेकिन वहाँ पर ये बिल्कुल भी टिक नहीं पाया, सीधा नीचे आया, और पूरे दिन भी अगर देखें तो ये कंसोलिडेशन जोन में ही बंद रहा, मतलब कि कोई पूरे दिन में ना उठक पटक ये अगर देखें तो नहीं रही इसके अंदर, तो ये साफ साफ यहाँ पर जो है सेलिंग प्रेशर इस लेवल के ऊपर दिख रहा है, तो यहीं बस एक इसका ब्रेकआउट लेवल है। पिछली बार भी मैंने खुद यहाँ पर बोला था कि ये 2440 से 60 का जो लेवल है इसको क्रॉस करना ज़रूरी है, तब जो है दूसरा इसका फिर जो है रेजिस्टेंट, जो बड़ा रेजिस्टेंट है वो है 2520 रुपये से लेकर 2530 का जो जोन है, इसको जब ये पार करेगा तब इसके अंदर जो है फर्दर तेज़ी आ सकती है। तो ये दोनों ही जो है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है जो कि काफ़ी दिनों से ये बने हुए हैं। ये वीकली चार्ट के ऊपर जगह आप देखेंगे तो जब इसके अंदर ये जो 40% के आसपास की जब तेज़ी आई थी उसके बाद, तब भी मैंने बोला था कई लोग इसके अंदर 3000 तक बोल रहे थे कि जा सकता है, लेकिन उससे पहले भी मैंने बोला था कि इसके अंदर कुछ पहले तो कंसोलिडेशन रह सकता है, उसके बाद कुछ ब्रेकआउट लेवल अगेन इसके अंदर जब होगा तब ये ऊपर जा सकता है। आज यहाँ पर अगर वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो पहले ही वीक के अंदर इसने जो है ब्रेकआउट देने की हालांकि कोशिश अच्छी खासी थी, इसकी वॉल्यूम भी अच्छा था, लेकिन आप इसको डेली चार्ट के ऊपर जब ये ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि आज ये जो है ब्रेकआउट फेल हुआ है। अब इस ट्रेंड लाइन को जो है क्रॉस करना काफ़ी ज़रूरी है और फर्दर तेज़ी आने के लिए, और इसके वॉल्यूम भी देखेंगे, पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सपोर्ट की सबसे पहले अगर बात करें तो नीचे में 2340 रुपये से लेकर 2300 का जो जोन है ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। कल के दिन थोड़ा सा इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि वीकनेस आ सकता है, और पहला छोटा सा इसका सपोर्ट अगर देखें तो वो 2380 से 2370 रुपये का जोन है, तो ये तीनों के तीनों जो है यहाँ पर सपोर्ट दिख रहे हैं। इंट्राडे प्लेयर्स है वो भी इसको जो है नोट कर सकते हैं। और अगर रेजिस्टेंट की बात करें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि 2440 से 2460 का लेवल फिर से आज वहीं अभी भी जो है रेजिस्टेंट बना हुआ है, इसके ऊपर अभी देखें तो ये 2520 से लेकर 2530 का जो जोन है ये जो है दोनों के दोनों एक से दो दिन यानी कि शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंट का काम कर सकते हैं। और आज के कारोबार की अगर बात करें तो यहाँ पर देखें तो तकरीबन 5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है, 15% के आसपास की, और AM ऑर्डर ज़्यादा उसके अंदर कुछ है नहीं। और दूसरा शेयर भी देख लेते हैं अदाणी पावर, इसका डेली चार्ट है, आज काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर जो इसके अंदर ये गिरावट का सिलसिला था उसको तोड़कर ये थोड़ा सा ऊपर निकलने की इसने कोशिश की, लेकिन वहाँ पर ये भी जो है थोड़ा सा फेल हुआ और डोजी सी कैंडल बनी, जहाँ पर ये ओपन हुआ था 245 उसी के आसपास जो है इन्होंने क्लोजिंग दी है, लेकिन फिर भी 1.5% के आसपास की तेज़ी रही। और इसका एक रीज़न भी है, जो 1600 मेगावाट का जो पावर प्लांट शुरू किया था वो उसके जो है इससे फ़ायदा हो सकता है। आगे देखें तो इसका 15 मिनट का चार्ट जब यहाँ पर शुक्रवार को ही जो है इसके अंदर एक तेज़ी सी बनी थी आखिरी आधे घंटे में, और तब भी अगर देखें आज भी उसी लेवल के ऊपर खुला और उसके बाद जो है ये फ्लैट सा यहाँ पर एक कारोबार करता रहा, थोड़ा सा ऊपर रहा लेकिन ये 250 को जो है क्रॉस नहीं कर पाया। और इसके भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं, हालांकि इसके अंदर जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई निचले लेवल से अच्छी खासी जो है इसके अंदर तेज़ी रही, और ये जनवरी की शुरुआत में जिस लेवल के आसपास था उसी के आसपास जो अभी भी ये काम कर रहा है, हालांकि थोड़ा सा इसके अंदर इस लेवल के आसपास 280 के आसपास से इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट भी रही है। और यहाँ पर अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंट की अगर बात करें तो जैसे ही यहाँ पर एक तेज़ी आई थी उसके बाद ये कंसोलिडेशन हुआ था, वैसा ही ये तेज़ी के बाद ये कंसोलिडेशन अभी हो रहा है, और इसके अंदर फर्दर तेज़ी आ सकती है, लेकिन कुछ लेवल जो है उनको जो है इनको होल्ड करना ज़रूरी है। तो जो लोग इसके अंदर होल्डिंग ऑलरेडी रखते हैं उनके लिए है, खास करके नई बाइंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, बाकी जो है इसको थोड़ा इसको वेट करें तो ही जो है बेहतर रहेगा इसके अंदर, बाकी जो लॉन्ग निवेशक है उसके अंदर जो है ये मतलब कि कंपनी अच्छी रह सकती है। तो सपोर्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले तो 235 रुपये, और मेजर सपोर्ट जो अगर इसका यहाँ पर दिख रहा है तो 228 रुपये का जोन,
और अगर ये इसको होल्ड करता है तो ऊपरी लेवल के ऊपर जैसे कि 245 से 50 एक छोटा रेजिस्टेंस है, अगर इसको पार करता है तो ये वापस से 280 रुपये तक जाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर इसने एक हाई बनाया था, तो अगर ये वहाँ पर पहुँचता है तब इसके ऊपर दोबारा हम वीडियो बनाएंगे और इसके ऊपर हम डेली भी अपडेट लाते रहेंगे अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो। तो ये हमने सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन दोनों ही देख लिया और काफ़ी दिनों तक अगर देखें तो ये जो करेक्शन का सिलसिला चल रहा था आज इसने इसको ब्रेक करने की एटलीस्ट कोशिश की है। कल का दिन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, कल ये आज के लो को एटलीस्ट जो कि ब्रेक नहीं करता तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात रहेगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लो बहुत ही नज़दीक है तो इसको ब्रेक कर सकता है। तो कल के दिन और एक से दो दिन की बात करें तो एकदम से शॉर्ट टर्म की बात करें तो 240 से 238 का लेवल नीचे में, ऊपरी लेवल की अगर बात करें तो 250 से लेकर 252 रुपये या फिर आप ये मानकर चल सकते हैं 253 रुपीज़ के आसपास का जो है इसी रेंज के अंदर ये रह सकता है। तीसरा और इसके अंदर भी अगर डिलीवरी बात करें तो अच्छी खासी डिलीवरी उठी है, हालांकि आज के दिन की अगर बात करें तो 14 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी, 36% के आसपास की सेलर्स यहाँ पर एएमए ऑर्डर में लगाए हुए हैं, लेकिन छोटा सा आंकड़ा है तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नहीं पड़ता। तीसरा शेयर हम देख लेते हैं अदाणी व्हीलमार, इसके ऊपर भी काफ़ी जो है डिमांड आती है कि इसके ऊपर हम ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते, लेकिन इसका एक रीज़न भी है क्योंकि ये शेयर जो है वो धीमा है, न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा चलता है, ये लॉन्ग टर्म कह सकता है क्योंकि FMCG कंपनी है और इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से FMCG कंपनी की डिमांड जो है आगे चलकर बढ़ सकती है जो भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो जब भी कोई बड़ी न्यूज़ आती है तब ये शेयर जो है चलता है, तब तक जो है ये ठंडा पड़ा रहता है। तो यहाँ पर आप देखें तो आज के दिन भी अगर अच्छा खासा जो है इसने हाई बनाया 410 रुपये का और ये एकदम से डोजी कैंडल बनी, जहाँ पर ओपन हुआ था बिल्कुल वहीं पर जो है इसने क्लोजिंग दी, वापस से जहाँ पर था वहाँ पर ये आ गया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी इसका देखेगा और साथ ही साथ आज के कारोबार की पहले हम बात कर लेते हैं तो 6.5 लाख के आसपास की इसके अंदर डिलीवरी उठी और थोड़े बहुत इसके अंदर बायर खड़े हैं, ज़्यादा नहीं। फिलहाल ये इसका 15 मिनट का चार्ट भी हम देख लेते हैं तो शुक्रवार की अगर बात करें तो बिल्कुल फ्लैट सा था ये, आज के दिन इसके अंदर पूरे ग्रुप के अंदर ही तेज़ी थी एक अच्छी न्यूज़ के चलते, इसकी वजह से जो है इसके अंदर तेज़ी रही, बाकी इस कंपनी के अंदर कुछ मतलब कि गुड न्यूज़ या बेड न्यूज़ नहीं थी। और ये वहाँ पर अपने हाई पर आसपास टिक नहीं पाया, नीचे आया और कंसोलिडेशन होकर यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है। और आगे इसका वीकली चार्ट भी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी आप देखें जब सुप्रीम कोर्ट की न्यूज़ आई थी, जब भी न्यूज़ अच्छी आती है तब ये चलता भी काफ़ी बेहतर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इतनी ज़्यादा तेज़ी इसके अंदर आई थी, उसके बाद एक करेक्शन आया और अब ये जो है अभी फिलहाल कंसोलिडेशन जोन में है ये। और यहाँ पर अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी बात करें, अभी 402 रुपये का प्राइस है, अभी जिस प्राइस के ऊपर अवेलेबल है 400 रुपये से 390 का जोन, यही जो इसका सबसे पहला सपोर्ट है, छोटा सपोर्ट या बड़ा सपोर्ट आप इसको कहें, एक मीडियम सपोर्ट है। उसके नीचे अगर देखें तो दूसरा सपोर्ट भी ज़्यादा दूर है नहीं, 380 से लेकर 375 का जो जोन है ये भी एक जो है अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर एक से दो दिन की बात करें तो ये 400 से 390 का जो जोन है एक अच्छा सपोर्ट है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो आज ही जो इसने हाई बनाया है, इसके पहले भी हमने बात की थी 410 रुपये से 415 का जो जोन है ये एक इंपॉर्टेंट इसके लिए रेजिस्टेंस है, जब भी इसको ये पार करेगा तब सबसे पहले तो ये 425 से लेकर 30 और उसके बाद जो है 450 तक जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसी रेंज में जो है इसी दायरे में ये रह सकता है जब तक इसके अंदर कुछ बड़ी न्यूज़ नहीं आती और बहुत ही जल्द इसके कुछ रिजल्ट भी आ सकते हैं तो तब जो है इसके अंदर फिर से वॉलेटिलिटी बन सकती है, तो उस रिजल्ट के ऊपर भी जो है नज़र जरूर बनी रहनी चाहिए। और साथ ही साथ इसकी पूरे ग्रुप की नई शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी आएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको इन तीनों में अगर आपकी होल्डिंग है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको पसंद आया था वीडियो, और इसके ऊपर हम अपडेट भी टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।